दोस्तों आज मैं बात करूंगा नूरी 1979 मूवी के बारे में। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा रिव्यू है जो पसंद आएगा। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं नूरी मूवी के बारे में, जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। डायरेक्ट किया था उसे मनमोहन कृष्णा ने, प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने, स्टारिंग फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी, म्यूजिक बाई खयाम, जान निसार, कंपनी यशराज फिल्म्स थी। रिलीज डेट इसकी 11 मई 1979 थी। रनिंग टाइम 144 मिनट का था। कंट्री इंडिया यानी कि हमारे भारत में ही रिलीज हुई थी। लैंग्वेज हिंदी उर्दू, ठीक है। बॉक्स ऑफिस इसका रहा 50 मिलियन $6.14 मिलियन। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाम नबी इफ्तखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवाही घाटी में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ फारूक शेख है, वह शादी करने का फैसला करता है। तारीख तय हो जाती है और तैयारी हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खां, जो कि इस मूवी में आपको विलन के रूप में दिखाई देंगे, नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता से हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया। दोस्तों गुलाम नबी इस मूवी में आपको नूरी के पिता के रूप में दिखाई देंगे। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। दोस्तों इस मूवी में जो गुलाम नबी खां हैं वो पेड़ों की कटाई का काम करता है और उससे ही उनका घर चलता है, ठीक। तो गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है, यानी कि जो पेड़ होता है, जिस पेड़ की वो कटाई करता है, उसको उसके पिता के ऊपर ही गिरा देते हैं, नूरी के पिता के ऊपर, उसके आदमी यानी कि बशीर खां के आदमी। तो उसकी डेथ हो जाती है नबी खां की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो शादी है उसको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है उसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके पिता की। और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान, जो यूसुफ का बॉस होता है, जो यूसुफ है वो बशीर खान के अंडर में काम करता है, ठीक है। जो बशीर खान है वो यूसुफ का बॉस होता है, तो बशीर खान उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर होता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खैरू, जो कि इनका कुत्ता होता है नूरी का, वह एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं और यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वह वहां खैरू को पाता है, जो अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। अंत में वे दोनों जमीन में गाड़ दिए जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी।